हम उस वाले स्कूल से आए थे, पता नहीं कैसे देखा मैं, जिस दिन बाजार दिन में फ्लाइंग की जा रही है, मैं देखा बोलचाल नहीं थी, मतलब थी लेकिन मैं कहता था, ये कहता था तू ही बेस्ट, तू ही बेस्ट। सो गाइस, ये है हमारा पुराना स्कूल जो कि अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। मेरा मन करा वीडियो बनाने का तो मैं बना लूं, और हमारे दोस्त आए हुए हैं सारे जो यहाँ पे खेल चुके हैं, और अब देखो स्कूल कितना बदल चुका है। ये मिस्टर अजरुद्दीन, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छी लग रहा है। यहीं पे आपने घोड़ी घोड़ी खेला था बहुत ज्यादा। 2010 में हमने 8 करी थी, और क्या कहते हैं कब 2006 यानी कि 2004 में हमने एडमिशन ले लिया होगा। मैंने थर्ड क्लास में एडमिशन लिया था, तो भाई 2008-10 में पास करके आज 12 साल बाद स्कूल में आए हैं, और पुराने स्कूल मतलब पुराने दोस्तों के साथ आए हैं। और आप देखो इधर से जो व्यू है, ये पहले बंद होता था बिल्कुल, मतलब अब कंपोजिट करते हैं स्कूल को। और चलो अब देखते हैं, ये बहुत बना दिया, जितना भी ये है ना पीछे का, जितना भी ये है सब पीछे का सारा बन चुका है। हमारे टाइम पे बिल्कुल खाली था, बिल्कुल ग्राउंड था। और अब चलते हैं आपको लेके जहाँ पे हम पहले क्लास में पढ़ते थे, उन क्लास के हाल देख लो आज कैसा हुआ पड़ा है स्कूल। अमेजिंग फीलिंग आती है ना, मतलब पुराने स्कूल में, मतलब 8 तक मैं पढ़ा हूँ यहाँ से, 3rd से 8 तक मैं इसमें पढ़ा हूँ, और आज दोस्त आए तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। ये स्कूल था हमारा, आप देख रहे हो ये पेड़ हमने ही लगाए हुए हैं, जितने भी पेड़ लगे हुए हैं। और ये पहले 5th क्लास तक उधर वाला स्कूल होता था, और 6th से ये दो क्लासेस थी हमारी 6th 7। अभी तो इनमें ताला कुंडी लगी हुई है, कूड़ादान बना रखा है इनको सुन। और इसमें हमने पढ़ी है अपनी 8th 6th 7th 8th क्लास। और आपको दिखाते प्रिंसिपल ऑफिस, ये था हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफिस, और ये थी हमारी लास्ट क्लास जो बिल्कुल खंडर हो चुकी है। और लेकिन अब तो चालू है, अभी का देख रहे हो बिल्कुल बदल गया है बिल्कुल, ये तो यूज ही नहीं करते हैं ये लोग तो, मतलब ये वाले रूम्स तो जो क्लासेस बंद कर दिए हैं, अब बढ़िया बढ़िया क्लासेस बना दी इन्होंने सबने। ये दो बनी हुई थी इधर वाली, लेकिन जो आगे है ना पूरा ग्राउंड आप देख रहे हो, नीचे पेंटिंग सब कुछ बहुत बदल गया, बहुत ज्यादा। हम उस वाले स्कूल से आए थे, जिसमें 5th क्लास तक पढ़े थे, ये कॉरिडोर बना दिया इन्होंने यहाँ पे, यहाँ खाना बनता था, यहाँ पे पहले खाना बनता था, पूरा खाली था ये। ओ वाओ, ये अच्छा बना रखा है यार, ये बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, झूले वूले सारा कुछ लगा रखा है। आप देखो अपना, हमारा एडमिशन हुआ था सामने वाले उसमें, और इस मेरा भी यही जगह थी, बस ये पकड़ लिया था, एडमिशन हो गया, पढ़वाई थी मेरे से, मैंने पढ़ी थी बहुत अच्छे से, तो मुझे ले लिया था गाइड का, बहुत इम्पोर्टेंस गाइड में ना, जिसके पास गाइड, मेरे पास गाइड, जिसके पास नहीं मैं भी लेकर आऊंगा, बहुत ज्यादा वो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना मजा आ रहा है पुराने स्कूल में आके, बहुत ज्यादा बदल चुका, बहुत ही ज्यादा, मतलब उस लेवल पे तो कुछ ही नहीं था जिस टाइम पे हम एडमिशन लिया था। तो
गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से। विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो अभी चल तो आ गए हम अपने पीछे वाले ग्राउंड में जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे स्कूल के बाद। बहुत ज्यादा खेला है हम यहाँ पे। अब देख रहे हो आप, अब तो बिल्कुल बदल ही दिया है। ये वाला येलो वाला घर था ना जिसमें सबसे ज्यादा बॉल खोती थी और जाने के बाद पता नहीं कहाँ होता थी और ऐसा लगता था बहुत दूर चक्का है, लेकिन अब देखो अब ऐसा लग रहा है यूं चली जाएगी बॉल विकेट। तो गाइस बढ़िया एकदम, जो मेमोरीज याद करने वाली है ना वो याद करने को मिल रही है हमें यहाँ पे आके। तू बीच में आ गया था ना एक बार, इसलिए आया था तू एक बार आया था हमारे साथ आया था, ऐसा ही था तू आया था, तू कह रहा बदल गया ये थोड़ा बहुत, शायद ये नहीं हुआ होगा। बालक हो गया था।